आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है कि डायपोल के दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है उसको दोनों साइड बढ़ा दीजिए, यही हमारा एक्सियल लाइन होती है। तो जो हमारा पॉइंट है अब वो एक एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा है और हमारा टारगेट है कि इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको निकालना। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू जनरेट हुई, पॉजिटिव है इसलिए अब ये जनरेट करेगा। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू इस पी पे ई माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और अपने तरफ जनरेट करेगा जैसे हमने फिगर में डायरेक्शन लिखा है। ओ जो है इस डायपोल का सेंटर पॉइंट है, चूंकि हम माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस 2L लेते हैं, ओ सेंटर है इसलिए ओ से यहाँ की दूरी ए, ओ से इसकी दूरी ए, ओ से इस पॉइंट की दूरी आर, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट बी की डिस्टेंस हुई आर माइनस ए, यानी प्लस क्यू चार्ज से इस पी की दूरी हुई आर माइनस ए और माइनस चार्ज से इस पी की दूरी हुई देखिए यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक ए, तो आर प्लस ए यानी माइनस क्यू की डिस्टेंस हुई आर प्लस ए। अब प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे ई प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जिसकी वैल्यू हम देंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज होगा ई प्लस क्यू। अब मॉड लिए हैं यानी डायरेक्शन को हम आई जे के से नहीं दिखा रहे हैं, इसको हम सिंपली ई प्लस क्यू से दिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 q अपॉन और देखिए प्लस q चार्ज की डिस्टेंस कितनी थी r माइनस a, इसलिए q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर एस होल्डिंग फिगर जैसा कि डायरेक्शन में हमने इधर दिखाया है। सिमिलरली माइनस q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है, क्योंकि ये चार्ज इसके पास है इसलिए इसकी फील्ड बड़ी होगी और इसकी फील्ड यहाँ पे छोटी होगी, इसलिए बड़े में से छोटे को घटा देंगे वही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और बड़े वाले के डायरेक्शन में ही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट वो होगी ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, दोनों की वैल्यू यहाँ से इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और देखिए q अपॉन 4πε0 q अपॉन 4πε0 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 1/r-a का होल स्क्वायर, दूसरी जगह बचेगा 1/r-a का होल स्क्वायर, इसको इधर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा आएगा ऊपर की ओर घटाने पर 4ra और नीचे आएगा कि a माइनस बी a प्लस बी और ये होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4ra को हमने लिख दिया 2a इंटू 2r, अब देखिए q इंटू 2a को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट और यहाँ 2r बच गया, 2 आ गया 1/4πε0 यहाँ से आ गया और नीचे ये क्वांटिटी हमने लिखा कर दी, यानी अब हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जिसका डाइपोल मूमेंट p है 1/4πε0 p इंटू 2r ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका अपना डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या होगा देखिए ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से पॉजिटिव की ओर यानी इधर की ओर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे और इस पी के वेक्टर लगाएंगे, ये हमारा हो गया